हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्रांड न्यू वाली गेम प्ले की सीरीज में। तो गेम प्ले को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इस वाले गेम का फंडा एकदम सिंपल है कि यहाँ पर जो टीचर है वो बहुत ही खतरनाक और खड़ूस है, तो इसे हमें सबक सिखाना है। तो यही है वो खतरनाक वाली टीचर, तो इसको हमें सबक सिखाना है। तो देखते हैं कि इसको हम किस किस तरह से परेशान कर सकते हैं और किस किस तरह से हम इससे बदला ले सकते हैं, क्योंकि इसने बच्चों को बहुत ही खतरनाक तरीके से परेशान किया है। तो यहाँ पर अपना कैरेक्टर आगे बढ़ता हुआ, चलो आगे हम भी बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें आगे बढ़ने का ऑप्शन दिया है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ेंगे, एकदम से खोल खोल के आगे बढ़ेंगे। और हमको इधर तिरछी तरफ से मुड़ना है, तो इधर की तिरछी तरफ मुड़ेंगे और इस वाली अलमारी के अंदर यहाँ पर है एक माउस वाला ट्रैप। तो इस वाले माउस वाले ट्रैप को हम यहाँ पर ले जाकर पता नहीं कहाँ पर रखने वाले हैं, तो इस वाली टेबल पर रखने वाले हैं। और इस वाली टेबल पर हम इस वाले न्यूज़पेपर से इसको ढक देंगे और चलो अभी बाहर भाग के निकल जाते हैं, ताकि इस वाली आंटी को पता ना चले कि हम इस पर माउस ट्रैप रख कर आए हुए हैं। तो अभी ये वाली खड़ूस टीचर जा रही है न्यूज़पेपर पढ़ने, तो देखते हैं कि इसकी उंगलियों में से खून कितनी खतरनाक तरीके से बाहर निकलता है। वैसे इस वाली ट्रैप से क्या खून बाहर निकल सकता है, मुझे ये पता नहीं है। और गाइस देखो, इसकी उंगलियां बाहर और खून किस तरह से टपक रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ दिख रहा है। क्या ही खतरनाक ग्राफिक्स, मतलब कि ग्राफिक्स कार्ड दिए है गाइस, एकदम वजू है। तो अभी हमें इस वाली आंटी के इस वाले ब्रेकफास्ट में मिलाना है सॉल्ट, जो भी आता है बहुत ही खारा खारा, एकदम से खारा खारा। तो चलो देखते हैं कि इस वाली आंटी को हम और भी किस तरह से खारा वाला नमक चखा कर रुला सकते हैं, और देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है अगर हम इस वाले खाने में मिला देते हैं इसका खारा वाला जहर। तो यहाँ से हम लोग पिक लेते हैं और यूज़ करते हैं, ताला खोलकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना कतई जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आगे ना बढ़ा तो फिर बाकी पीछे मुड़कर क्या ही करेंगे। और यहाँ पर हमें एक एनर्जी ड्रिंक मिलता है, तो एनर्जी ड्रिंक को भी ले लेते हैं और इस वाले स्टार को भी ले लेते हैं, क्योंकि वाला स्टार भी बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। और आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहो और दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर रखा है सॉल्ट, तो सॉल्ट को उठाते हैं फटाफट से और डाल देते हैं इस वाले लंच में, ब्रेकफास्ट में, हाँ सॉरी ब्रेकफास्ट में। तो और अभी बाहर निकल लेते हैं, ताकि इस वाली आंटी को पता ना चले कि हमने उसके ब्रेकफास्ट में नमक डाल दिया है, क्योंकि उसको भूल चुकी थी वो नमक डालना, तो हमने उसके ब्रेकफास्ट में नमक डाल दिया है। तो अभी ये वाली आंटी खाने जा रही है उसका ब्रेकफास्ट जिसमें मिलाया था हमने ढेर सारा नमक। तो अभी देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है, और इस का रिएक्शन तो बहुत ही खतरनाक और खतरनाक तरीके वाला है। ये छी, इस वाली आंटी का ये वाला शो बहुत ही खतरनाक था, कि इस वाले शो में ये वाली आंटी जो है वो उसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से एकदम से चुड़ैल बनकर दिखती है। तो इस वाली आंटी का फेवरेट शो हम देखने से मना करेंगे, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमको ये वाली एबिलिटी मिली है कि हम इसके ऊपर से पता नहीं ये क्या फेंका पोशन, और ये वाली आंटी छींकने लग गई खतरनाक तरीके से। और ये स्टार जबरदस्ती कलेक्ट करवाने वाला इनका रिवाज तो यहाँ से गया नहीं, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं और अभी यूज़ भी करवाएंगे जबरदस्ती। हम कभी ऐसी जगह पर यूज़ कर ले ऐसा नहीं सोचेंगे, ये गेम वाले हमको जबरदस्ती यूज़ करवाएंगे इस वाले हिंट को। तो आगे बढ़ते ही हिंट में हिंग बोलने वाला था अभी, बट हिंट को और यहाँ वाली बेल से हम इस वाली आंटी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि ये वाली आंटी बाहर ना निकले, मतलब कि बाहर निकले और हम अंदर घुस के इसका टीवी फोड़ दे। बट इस वाली आंटी ने हमें देख लिया, तो कैसे यहाँ से अभी बाहर फटाफट से भाग लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर पकड़े ना जाए, और अगर पकड़े गए तो ये हमारा गला चीर के फाड़ देगी। हेलो आंटी जी, नमस्कार, आई एम यूअर नाइबर, एकदम से स्वीट वाला नाइबर जो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। हेलो हेलो आंटी जी, कैसे हो, मजे में? हेलो आंटी जी, बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, ये वाला घर। अबे अंडे फेंक कर मुँह पे मारती है, तुझे शर्म नहीं आती एकदम से? एक तो तेरे बाल भी खतरनाक वाले हैं, जिससे कि हमारा घोड़ा भी ना डरेगा, और ये एक और अंडा, और इसका निशाना इतना खतरनाक तरीके से जिससे कि ये एम्बोट लगाकर हमको मारती है। और यहाँ पर हमको मिल चुकी है एक एनर्जी ड्रिंक को फट से उठा लेते हैं, ताकि इसके ऊपर हम फट से वाली एनर्जी ड्रिंक का ढक्कन खींच के मारेंगे, ताकि इसकी नाक एकदम से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसकी नाक तो कतई लंबी है। तो इस वाली खिड़की से हम अंदर जंप मारेंगे और यार अपना प्यारा क्रोबार, तो इस वाले क्रोबार को उठाकर इस वाली टीवी का सत्यानाश कर देंगे। और हमने सत्यानाश पीट दिया इस वाली टीवी का, पूरा खतरनाक तरीके से पुर्जा ही अलग कर दिया। वैसे इतने जोर भी खींच के नहीं मारा था, बट क्या करें, टीवी वाले जिसने गेम भी बनाया वो बहुत ही हैवी ड्राइवर था। लगता है कि इस वाली आंटी का पूरा बदला इसने टीवी पर ही निकाल लिया। तो चलो देखते हैं अभी इसका रिएक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पर खिड़की से झाँक कर देखेंगे, हमको वाला इफेक्ट से ना ही देखना, हमको खिड़की से झाँक कर देखना। और ये वाली आंटी हमारे पीछे काहे पड़ जाती है भाई, इनका और दूसरा कोई काम नहीं है लगता है इस वाली आंटी को। आंटी स्केरी आंटी, भूतनी डायन चुड़ैल, अबे अंदर चले जाओ। और ये अंडा खींच के मारेगा, और इसका एम्बोट की वजह से ये फेंका उधर और लगा मेरे मुंह चुड़े पे। तो लगता है कि ये हैकर से भी मिली हुई है, ताकि इस वाली आंटी को हम अच्छी तरह से परेशान कर सकते। तो जाओ आंटी, अब अपना सीरियल देखो और देखकर बताओ कि टीवी कितनी अच्छी तरह से फूटा है। और ये जल्दी जाती भी नहीं है यार, इसके घर में बहुत ही धीरे धीरे दौड़ती है ये वाली घंटी। गई अपनी टीवी के पास और देखकर अपना एकदम से चूं छे, सिंचन ने तुम्हारा टीवी फोड़ दिया आंटी जी। तो गाइस आंटी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रोल करके रखा है, बट अभी इस बार है इस आंटी की ड्रेस की बारी, क्योंकि ये वाली आंटी अपनी
प्यारी ड्रेस से बहुत ही पसंद करती है, मतलब कि उसकी फेवरेट ड्रेस है, तो हम इस वाली फेवरेट ड्रेस की ऐसी कटिंग करेंगे कि बेचारा नावी भी नहीं तो कटिंग करता है, सॉरी टेलर भी सिलते सिलते थक जाएगा, इतनी खतरनाक तरीके से काट देंगे, तब तक इसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और इधर वाली खिड़की से हम अंदर घुसते हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट वाला रास्ता है, जिससे कि हम अंदर घुस के इस वाली आंटी की ड्रेस को फाड़ रहे देंगे, एकदम खतरनाक तरीके देके काट देंगे। और हमको यहाँ पर मिल चुकी है हमारी केजी, तो केजी उठाकर निकलते हैं इस वाली आंटी की ड्रेस के पास, और ये वाली आंटी हमें देख ना ले गाइस, इसी वजह से हम यहाँ पर डर डर के आगे बढ़ रहे थे, बट ना ही ये वाली आंटी को कोई भी चेन नहीं है, तो हम इनको दे देंगे चेन की जगह पर बस्ता ही उड़ाट कर मुँह पे मारेंगे, ताकि ये वाली आंटी का मुँह भी थोड़ा बहुत छपटा हो जाए। और हम यहाँ पर एक और बार रिंग बेल को प्रेस कर देते हैं, ताकि ये वाली आंटी बाहर निकले और दरवाज़ा खोल कर देखे, बट वहाँ पर मेरी जगह पर कोई भी ना दिखे, क्योंकि आंटी तो एक नंबर की फुद्दू है और इनका फुद्दू काटने में हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो इस वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, और मुझे पता है कि ये वाली आंटी की ड्रेस कहाँ है, ये वाली आंटी की ड्रेस आंटी के रूम में है। और आंटी का रूम देखना गाइस कतई महल से कम नहीं बनाया हुआ है, वैसे इतना भी बड़ा नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी फेंक दी, बट ये रही गाइस हमको ड्रेस मिल चुकी है, और यहाँ पर हमने ड्रेस को काट भी दिया है, तो ये वाली आंटी शायद अंदर आ रही है घर के अंदर। तो हम इस वाले डोर से बाहर निकलते हैं और इस वाले दरवाजे से बाहर निकलेंगे, और हम तो यहाँ पर डायरेक्ट पता नहीं कौन से बाथरूम में पहुँच चुके हैं। एक तो ये वाली आंटी यहाँ पर अकेले रहती है, और पता नहीं इतने सारे बाथरूम का यूज़ कैसे करती होगी, मतलब कि डे बाय डे लगता है कि इसने फिक्स कर लिया कि इस वाले, और यहाँ पर तो जिम भी है, और ये जिम का यूज़ करती होगी, जिस हिसाब से ये इतनी मोटी है तो जिम का यूज़ तो ये कभी करती नहीं होगी, बस जिम को यहाँ पर दिखावे के लिए रखा है कि हम यहाँ पर जिम करते हैं, हम सब ये बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को डांटने में इतनी माहिर है कि क्या ही बताए। और यहाँ पर हमको मिल चुकी है एक एनर्जी ड्रिंक, ड्रिंक मारते ये वाली आंटी की ड्रेस फटी हुई, आंटी ने रिएक्शन दे दिया, क्या ही तगड़ा रिएक्शन दिया, वाओ माय गॉड। तो गाइस अभी बारी इस वाली आंटी के, मतलब कि सोफे पे खतरनाक वाली पिन रखने की, तो देखते हैं कि पिन से इस वाली आंटी को क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये वाली आंटी बहुत ही मोटी है, इनके अंदर चाकू भी घुसड़ के मार दे और इनके मतलब कि अतड़िया बाहर निकाल दे तब भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से बोल दिया, बट इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस वाले सोफे पे ये वाली पिन रखते और ये वाला कवर द प्लेन हाइट कर देते, इसको यहाँ पर हाइट, और हाइट करने के बाद इसको यहाँ पर रख देते, और आंटी के आने से पहले ही यहाँ से फूट लेते, और ये वाला ट्रैप क्या ही जगह पर रखा है ताकि मैं फंस भी ना सकूँ। आंटी फुद्दू काट दिया तुम्हारा, हमने बहुत ही खतरनाक तरीके से, जल्दी आओ ना तुम, एक तो बहुत ही धीरे चलती हो और हमको बोलती हो कि जिम करो। हम कितनी जिम करें, हम तो हमारी पहले से हड्डियां बाहर निकली हुई है, और तुम बोलती हो कि जिम करो। आंटी जी थोड़ा जल्दी कर लो यार, सुबह पनवेल भी निकलना है हमारी बस। हाँ आंटी जी को अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता गाइस, नो रिएक्शन ओनली अटेंशन। तो गाइस ये वाली आंटी इतनी बेरहम है, इतनी खतरनाक तरीके से बेरहम है कि बेचारी बिल्ली को यहाँ पर कैद करके रखा, और वो भी उसका टॉर्चर रूम, मत लगता है कि ये वाली आंटी टॉर्चर करने में तो पीएचडी हासिल करके रखी है, तो हमको ये वाला टॉर्चर रूम ढूंढना पड़ेगा, और पता नहीं कहाँ पर है इसका टॉर्चर रूम। एक तो इतना बड़ा घर बनाया कि इतना बड़ा घर बनाकर इनको मिलता भी क्या है, हमको ही ढूंढना पड़ता है इतने बड़े बड़े घर में, हमको ही ढूंढना पड़ता है। तो अभी चलो ढूंढते ही का टॉर्चर, ये तो वर्कशॉप बाथरूम किचन हॉल बेडरूम वगैरह। और हमको यहाँ पर मिल चुका है इसका रूम, बट इसके रूम में हमको नहीं जाने का है, क्योंकि हमको ढूंढना है यहाँ पर टॉर्चर रूम, क्योंकि मुझे पता है इनको निकलते हुए मैंने देखा था टॉर्चर रूम, यही रही अपनी बिल्ली, और ये रही गई चाबी, वो वाली आंटी ने ये वाली चाबी रखी थी, तो इस वाली चाबी से ये वाली अबे खुल का ही नहीं रहे, अबे ऑप्शन तो दे दे, अरे यार हाँ गई ये वाली चाबी होगी मेरे ख्याल से, इस वाली चाबी से शायद ये खुलता होगा, अबे खुल जाए यार, अबे यार हेलो, हाँ गाइस आ गया ऑप्शन आ गया, इसको निकालते और ये वाली बिल्ली को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो ये वाली आंटी पकड़ के मेरी गुच्ची दबा देगी एकदम से, गुच्ची निकाल देगी मेरी, गुद्दी पे रेपटा मारेगी एकदम खतरनाक वाला रेपटा, और यहाँ पर मेरा अटैक आते आते बच गया। आंटी जी आपको इतना क्या गुस्सा है, आपने पहले तो बिल्ली को भी कैद कर लिया और ऊपर से रिएक्शन देते हो, ऐसा अंडा खींच के मारूंगा ना नाक छपटा हो जाएगा। तो गाइस इस वाली आंटी का हमको बिगाड़ना होगा बर्थडे, तो देखते हैं कि ये वाली आंटी को हम किस खतरनाक तरीके से इसका बर्थडे बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि इसका बर्थडे बहुत ही खतरनाक तरीके से अकेले ही सेलिब्रेट कर रही है, लगता है कि इसके फैमिली मेंबर भी इसकी शक्ल देखकर डर जाते होंगे, क्योंकि इतनी भयानक सी शक्ल है, ये रात में अगर तैयार और बिना मेकअप के आ गई तो फिर बेचारे फैमिली मेंबर इसी बात से इसको यहाँ पर अकेला छोड़ के चले चुके हैं गाइस, अकेला छोड़कर इस वाले किचन से हम एंट्री मारते हैं, और यहाँ पर मेरा ट्रिप में पैर फंस ही गया, आखिरकार इसके सस्ते वाले ट्रिप मेरा पैर फंस ही गया, अभी यहाँ पर इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे बट नहीं घुस सकते गाइस इस वाली विंडो से हम अंदर, तो इस वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, और ये वाली आंटी प्लीज चले जाओ प्लीज,
और इस वाले केक को यहाँ पर रख देते हैं, और इस वाली इसको मैं बोलने का वाला था कैंडल की जगह पर इस वाली टेप को रैप कर देते हैं और यहाँ से भी भाग जाते हैं ताकि इस वाली आंटी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर आया था। एकदम खतरनाक तरीके से फूटेंगे ताकि इस वाली आंटी को पता भी नहीं चले कि हम यहाँ पर आकर फूट भी चुके हैं, और हमने कैंडल की जगह पर एकदम खतरनाक वाले फायर क्रैकर रख दिया है ताकि इसके थोपड़े पर ऐसा फूटे। तो कैसी वाली आंटी आ चुकी है केक की कैंडल जलाने, तो अभी देखते हैं कि केक की जगह पर क्या ही इसका शक्ल फूटेगा। एकदम से काला 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 कलवा बन जाएगी ये वाली आंटी। हेलो येट बुम, क्या ही केक फूटाई गई इसकी शक्ल पे देखकर बहुत ही मजा आया। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं। मैंने इसका सेकंड पार्ट बना लिया है बट आप मुझे कमेंट में बताओगे तभी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला, तो मुझे कमेंट में बता देना कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए या फिर नहीं। और प्लीज़ यार कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।